आ गया आ गया आ गया, जी हाँ नोटिफिकेशन आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि जो पब्लिक एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होने थे, सर उसका एग्जाम कब होगा कब होगा कब होगा। तो आज का ये वीडियो मैं बताऊं उसी जवाब के लिए बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि कल एनआईएस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिस नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है कि एनआईएस के जो पब्लिक एग्जाम होने थे अक्टूबर और नवंबर में वो आप कब होने जा रहे हैं और एग्जामिनेशन फीस आप कब तक सबमिट कर सकते हो। इन सारी बातों का खुलासा आज इस वीडियो में होने जा रहा है। तो इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए बिना स्किप करें, क्योंकि अगर कहीं पे भी स्किप करा तो कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी छूट सकती है, ऐसा ना हो। इसलिए जो है मेरा आपसे गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो स्टूडेंट एनआईएस के जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ऑथेंटिक न्यूज और जो बिल्कुल सही न्यूज है वही आप तक लेकर आते हैं, बेफालतू के वीडियो इस चैनल में नहीं मिलेंगे। जब कोई नोटिफिकेशन जारी होगा, जब कोई महत्वपूर्ण सूचना होगी तभी हम लोग आपके सामने उपस्थित होते हैं और आपको सूचना देते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने इस नोटिफिकेशन में, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है एक बार आप उसे देख लीजिए उसमें क्या दिया गया है। तो देखिए ये रहा नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है कब, 23/11/2020 को, यानी कि 23 नवंबर 2020 को। नोटिफिकेशन नंबर है 1153/2020। ठीक है, क्या इस नोटिफिकेशन में बताया गया पहले मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ, फिर उसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है द एनआईएस अक्टूबर 2020 पब्लिक एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग जनवरी फरवरी 2021। डेट शीट फॉर द सेम विल बी अनाउंस शॉर्टली। साथ ही साथ में यहाँ पे ये लिखा गया है कि द शेड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कंडक्टेड इन जनवरी फरवरी 2021 एज अंडर। तो देखिए वहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले बोला है फॉर ऑल लर्नर्स, कोई भी लर्नर्स है यानी कि पहले किसी ने एडमिशन कराया हो या अभी रजिस्ट्रेशन कराया हो जिनके अक्टूबर में एग्जाम होने थे, 23 नवंबर to 10 दिसंबर 2020 तक एग्जामिनेशन फीस सबमिट कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस, कोई लेट फीस उसमें नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 10 तारीख तक नहीं करते हैं तो 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर लर्नर को ₹100 प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से जो है लेट फीस सबमिट करनी पड़ेगी और तब एग्जामिनेशन फीस, यानी जितनी एग्जामिनेशन फीस है उसके साथ साथ में ₹100 पर सब्जेक्ट आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर 15 दिसंबर तक भी कोई स्टूडेंट नहीं करा पाता एग्जामिनेशन फीस तो 16 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच में इन 5 दिनों में वो एक कॉन्सिलेटेड लेट फीस ₹1500 देकर करा सकता है, यानी कि जो एग्जामिनेशन फीस होगी वो साथ में प्लस ₹1500 देकर। स्टूडेंट देखा आपने ये नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन में सारी डिटेल आपको बता दी गई है कि कब कब एग्जामिनेशन फीस सबमिट होनी है, कब एग्जाम होना है और अब ये सुनिश्चित हो गया है कि तारीख क्या है एग्जाम की और कब तक एग्जामिनेशन फीस सबमिट होनी है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं एनआईएस के, उनसे मेरा सबसे गुजारिश है 3 चीजों को अपने जो है दिमाग में रख लीजिए। सबसे पहले जाइए एग्जामिनेशन फीस को सबमिट कराइए, एग्जामिनेशन फीस सबमिट होने से आपका एग्जाम तय हो जाता है होना। दूसरा, अपने प्रैक्टिकल्स, जो भी आपके प्रैक्टिकल्स होने हैं उनकी प्रैक्टिकल फाइल को तुरंत तैयार करिए, कभी भी डेट आ सकती है और आपको जो है प्रैक्टिकल एग्जाम सबमिट करने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ में डेट शीट आएगी, उस डेट शीट के अनुसार ही बहुत अच्छे से डेट शीट को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। कई बार जो है सोशल मीडिया में फेक डेट शीट भी आ जाती है और जिसके कारण मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसी स्थिति ना आए अपनी वेबसाइट पे जाके या फिर कोई जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उनकी जो भी डेट शीट जारी की गई हो उस डेट शीट को देखते हुए आप जो है एग्जाम देने की तैयारी करें। और अगर आप दूर दराज कहीं पर हैं तो वहीं से आप एग्जामिनेशन फीस सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके एग्जामिनेशन फीस सबमिट करके आपका जो है एग्जाम होना तय करा देंगे। तो जो हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे एनआईएस के स्टूडेंट, मेरे पास भी जो है बहुत मैसेज कमेंट्स आ रहे थे सर एग्जाम कब होगा एग्जाम कब होगा, तो उन सबको आज ये जवाब मिल चुका है इस नोटिफिकेशन के थ्रू कि आपके एग्जाम जनवरी और फेब में होने हैं, एग्जामिनेशन फीस जमा होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं अभी ये नोटिफिकेशन सिर्फ पब्लिक एग्जाम स्टूडेंट के लिए जारी हुआ है, यहाँ पर ऑन डिमांड स्टूडेंट जिनका रजिस्ट्रेशन स्ट्रीम 4 में है उनके लिए अभी कोई सूचना नहीं आई है। लेकिन हमने जैसे कि एप्लीकेशन दिया हुआ है और बहुत सारे लोगों ने ये बात ऊपर तक पहुंचाई हुई है कि ऑन डिमांड स्टूडेंट भी हैं जिनको एग्जाम देना है, तो अभी देखते हैं हो सकता है कि ऑन डिमांड एग्जाम दिसंबर में ना हो जाए, क्योंकि अगर जनवरी और फेब में जो है
पब्लिक एग्जाम कराए जा रहे हैं, तो हो सकता है एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम वालों को दिसंबर में मौका दे। तो ऑन डिमांड स्टूडेंट्स भी मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, जैसे भी होगा आप तक तुरंत सूचना लेकर आऊंगा। और हमारी भी कोशिश, हमारा भी प्रयास यही है कि ऑन डिमांड स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको भी एग्जाम देने का मौका दिया जाए, ताकि उनका भी साल खत्म होने से जो है बच सके, और जितने भी अभिभावकों की परेशानी है या छात्रों की परेशानी है उनको जल्द से जल्द दूर कर सके। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको जो है सारी ऑथेंटिक न्यूज यहाँ पर जो है एनआईएस की मिलती रहती है, अपडेट्स हम डालते रहते हैं। और लाइक जरूर करिएगा, सभी स्टूडेंट से मेरा गुजारिश है प्लीज जो है लाइक जरूर करिए हमारे वीडियो को। और चलिए बिना समय गवाए हम लोग जो है आगे का वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके साथ में, हो सकता है डेट शीट के साथ में आए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।